जोमैटो का शेयर क्वार्टर वन लॉस कम होने की खुशी में आज 20% के अपर सर्किट के साथ बंद हुआ और कंपनी ने अलग अलग सेगमेंट के लिए 4 अलग अलग सीईओज को अपॉइंट करने की बात कही है। अगर जोमैटो की रिजल्ट की बात करें तो पिछले साल इसी क्वार्टर में कंपनी को 359 करोड़ का लॉस था और इस साल वही लॉस आधा होकर 186 करोड़ का बचा। ब्लिंकिट के एक्विजिशन के बाद से ही शेयर काफी नीचे गिर गया था। अभी लोगों को ऐसा लग रहा था कि जोमैटो का रिजल्ट फिर से खराब आएगा और इस चक्कर में लोगों ने हैविली शॉर्ट करके रखा था, पर इस न्यूज के बाद शेयर 20% चढ़ गया और लोगों के साथ पोपट हो गया, उनके साथ भी जो शॉर्ट करके बैठे थे और उनके साथ भी पोपट हो गया जो सोच रहे थे कि जोमैटो 25-30 रुपए में आ जाए फिर लूं। गोल्डमैन सैक्स ने इसका नेक्स्ट टारगेट 100 रुपए और मॉर्गन स्टैनली ने 80 रुपए का नेक्स्ट टारगेट दिया है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।